This one, this one. Mom? थैंक यू मैम. एक घड़े करो ना, होल्ड. बहुत खुशी की बात है. मेरी मम्मी बनती थी वो ये रिश्ता में. शी वॉज प्लेइंग 45 ईयर्स ओल्ड और अभी देखो शी इज इन द फिल्म, एकदम फैशनिस्टा बन चुकी है. बहुत खुशी की बात है जो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी हुई ये रिश्ता से लेके बिग बॉस से लेके. फिर कांस भी गई थी वो और अभी फिल्म आ रही है हैक उनकी लीड में. और मतलब बहुत ही आई थिंक बिग बॉस से निकलने के बाद सबसे ज़्यादा जिसको मिला है, जो सबसे ज़्यादा जिनको फ़ायदा हुआ है वो इन्हीं को ही हुआ है. तो यार बहुत खुशी की बात है. आई थिंक देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम हर बिकॉज एक शो करना 8 साल और उसके बाद इतना बड़े बच्चों की मम्मी प्ले करना, उसके बाद टू चेंज दैट थिंग, सो मच टू लर्न फ्रॉम हर एंड हर जर्नी आई गेस हैज बीन इनक्रेडिबल एंड वी सो 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 हैप्पी फॉर हर. शी वी एक्चुअली वी हैव बीन विथ हर थ्रू आउट, लाइक यू नो थ्रू आउट हम क्रिटिसिज्म तो इसलिए होता है जो लोग जलते देखो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे और ये तो काम ही है लोगों का बोलना. तो अच्छी बात है आई थिंक अगर उनके बारे में बोला जा रहा है या कुछ कोई नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं तो मतलब लोग उनको देख रहे हैं, लोग फॉलो करें उनको, उनको जानने की वो है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है. तो ये इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए एक्चुअली. क्योंकि जब मुझे याद है जब हम बिग बॉस में थे सलमान सर ने मुझे एक चीज़ बोली थी और हम सबको एक चीज़ बताई थी कि यार नेगेटिव कमेंट्स तो सबको आते हैं, कहते मेरी प्रोफाइल खोलोगे ना तो भर भर के आते हैं. लेकिन कह रहे हैं मैं सलमान खान हूँ, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आएंगे मुझे क्या, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ. और जहाँ अच्छे आएंगे वहाँ बुरे भी आएंगे. तो वही है, जहाँ अच्छे आएंगे बुरे कमेंट्स भी आएंगे. एग्जैक्टली. आई मीन ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. हेटर्स भी है, सब प्यार भी करेंगे. तो आई थिंक इट्स एंड ऐसा होना चाहिए, शुड बी मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. अगर सब सिर्फ प्यार करेंगे तो फिर सबके दिमाग खराब हो जाएंगे. गेट टुगेदर हमारे होते रहते हैं एक्चुअली, लेकिन आज तो हम सिर्फ उनकी मूवी के लिए आए हैं, देखने के लिए आए, क्योंकि ट्रेलर तो बहुत ही मज़ेदार था और काफ़ी डिफरेंट वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल कैसे जो इंटरनेट की वजह से जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें आजकल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं तो उनसे कैसे बचा जाए, तो कुछ लेसन मिलेगा आई एम श्योर देखने में. ऑब्वियसली ज़रूर लगने की बात नहीं है, ऑब्वियस हो चुका है अब तक. तो शहनाज आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला तीनों रहेंगे टॉप थ्री में. आज आपने देखा ओबेरॉय मॉल में काफ़ी भगदड़ मच गई फैंस लोगों के, आप लोगों ने टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक आई थिंक एपिसोड आया नहीं है तो हमें पता नहीं है, लेकिन आज कोई मॉल टास्क था ये पता है. एक्चुअली हमारे टाइम में भी टास्क हुआ था लेकिन मेन मुंबई में नहीं हुआ था. तो आई थिंक मुंबई में ऑब्वियसली जब पता चलता है तो सारे लोग आ जाते हैं, तो दूर ही होना चाहिए आउटस्कर्ट्स में. जैसे हमारे टाइम में भी वहाँ हुआ था तो फिर वो मैनेजेबल हो जाता है. यहाँ पर अगर पता चलेगा कि ये लोग आ रहे हैं, बिग बॉस ऑब्वियसली नंबर वन शो है तो सब लोग आ जाते हैं देखने के लिए. एक वो डिजर्विंग है, बनता था उनका जाना टॉप फाइव में, तो हमें शुरू से उनको देख रहा था. रश्मि देसाई हैज बीन अ नेम, शी टीवी की एक अच्छी, एवरीबॉडी नोज हर, शी हैज डन सच बिग शोज, सो शी हैज गिवन अ लॉट टू दिस सीजन आल्सो. कि उन्होंने उनकी वजह से बहुत चीजें हुई हैं तो जो अब शो को कुछ देता है उसको मिलता भी है. देखिए बहुत खुशी की बात है, अभी भी 11 एपिसोड्स लॉन्च हुए हैं तो मम्मी का जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है, तो वो वेब सीरीज़ कर रहा है, बहुत मज़ेदार वेब सीरीज़. अगर आप प्रोमो भी देखेंगे तो कुछ डिफरेंट किया है मैंने इस बारी में. हमेशा गुड बॉय के रोल्स करता था, इस बार मैंने बैड बॉय का रोल किया है. तो बहुत ही मज़ेदार रोल है ये. और एक्चुअली अगर देखा भी जाए तो जो लड़कियाँ होती हैं उनको सिर्फ बैड बॉय तो पसंद होते हैं, उनको होता है कि यार जो बैड बॉय है वो गुड बॉय बन जाए उनके लिए. उसी तरह का कैरेक्टर है ये, बहुत मज़ेदार है. और फ्रेंडशिप पर भी है स्टोरी, एक बॉन्ड पर है, क्लास पर है, और इनके अंदर जो हमारी पूरी क्लास इकट्ठी हो जाती है तो यूनिटी पे भी दिखाएगी. तो बहुत मज़ेदार है, बहुत कुछ है. सिर्फ 11 एपिसोड जाए, 22 एपिसोड आर स्टिल लेफ्ट, सो लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. कभी सोचा
आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हाउ डू आई रिएक्ट, बिकॉज यू नो यू ऑलवेज ड्रीम ऑफ दिस मोमेंट, और जब मोमेंट आता है आपकी लाइफ में देन यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. आई एम वेरी वेरी नर्वस. I want everyone to watch the film and give me a positive feedback about it, and I want them to be honest. So whoever I'm meeting, I'm telling them, please give me an honest feedback about how do you like the film and best. I am very, very, very nervous, very excited. We've been exchanging messages with each other, like me, Vikram, Rohan, and you know, we're meeting people over here as well, but we're very nervous. And we're telling them, theek hai, let's pretend that we are excited, but we are nervous. Let's come, beech beech mein, let's come and hug each other and go back. So that's what we are doing. ओके, एज फार एज सलमान इज कंसर्न, यस, वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं. जब भी मैं बिग बॉस के सेट पे भी उनसे मिलती हूँ, उनके उनके पर्सनल स्पेस में हम बात करते हैं, उनके शाले में जाके वी चैट, एंड ही इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, सही एडवाइस करते हैं. ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी फॉर मी व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट द फिल्म एंड द वे ही प्रमोटेड ऑन स्टेज, द वे ही वॉज अप्रिशिएटिंग मी. नाउ एवरीथिंग इज नॉट टेलीकास्टेड, but there was a lot of appreciation. I could see that he was very happy for me ki finally jahan se tumne apni journey shuru ki as a contestant, aaj tum as a celebrity guest wahan apni film promote karne aayi ho. So it's an achievement and I actually dreamt about it, so that's happening. So yeah, oh, very good, very good. He's still supportive. He is very nervous too, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. एंड अगर मेरी परफॉर्मेंस इस फिल्म में अप्रिशिएट होती है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है. आई हैव टू से दिस. ओ लवली, रोहन इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड नॉट दैट ही इज़ इन द फिल्म विद मी, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर, एंड रेस्ट ऑफ द एक्टर्स, एवरी वन इज़ डन अ वेरी गुड जॉब, एंड दे मेड अ ब्यूटिफुल फिल्म, सो आई होप दैट यू ऑल लाइक इट. Yes, 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 of course. ये देखिए, मैं इसकी बात कर रही थी और ये आ गया. As I said, ये बहुत बिल्कुल अच्छा एक्टर नहीं है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है. तेरी तारीफ कर रही थी. I'm very much nervous right now. I'm so disoriented. I'm just overwhelmed. ये पूरे दिन मैसेज कर रहा था मुझे, कैसा लग रहा है, क्या करूं, मुझे डर लग रहा है. तो मैंने बोला मेरा भी यही हाल है. तो अमेजिंग, इतनी खूबसूरत हिना खान, इतनी ब्यूटीफुल एक्टर. बस बस बस, मैंने जेन्युइनली आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट. क्यों नहीं होंगी. आई थिंक मेरे साथ साथ ये जर्नी आप सबकी है. आप लोगों ने लिटरली मुझे एक बेबी की तरह मेरे पहले शो से देखा है, एंड नाउ यू कम टू कवर माई फिल्म, सो आई थिंक यू ऑल आर इक्वली इमोशनल. यू हैव सीन मी ग्रो, माई अप्स, माई डाउन, माई लोज, एवरीथिंग यू सीन. सो आई थिंक यू आर इक्वली इमोशनल एंड यू कैन कनेक्ट. I think now since the film is releasing tomorrow, now say whatever you want to say. Ab bol do. We'll take it with all the grace and respect. But he targeted basically to the television, you know, thing. So what about? I think that's how it is. We can't really help it. I think all we can do is work hard and prove by our performances and. Prove it to the world that we too can act and do good films. I think मुश्किल नहीं आई. God has been very kind. मुझे हमेशा बहुत अच्छा काम मिला, और जो मिला है touch wood,
वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, बहुत फेमस हुआ है. बट एज फार एज फिल्म्स आर कंसर्न, इट्स नॉट ईजी लाइक टू गेट अ फिल्म एंड ऑल. इन दैट केस वी वुड से दैट वी आर लकी कि विक्रम कास्टेड अस एंड उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और इतनी अच्छी फिल्म हमारे साथ बनाई. तो फिल्म्स वाली जो जर्नी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है बिकॉज यू नो यू यूजुअली आर नॉट गिवन अ चांस बिकॉज यू आर अ टेलीविजन एक्टर. सो या थैंक यू सो मच. थैंक यू. ट्रेलर तो बहुत खास हुए और जो भी है मैं जो इंडस्ट्री में आपके जो दोस्त होते हैं आपको उनको सपोर्ट करना होता है और जो फिल्मी फैमिली से नहीं होते हैं उनको आपस में तो ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए. तो ये ना तो ऑब्वियसली मेरी कश्मीरी दोस्त है तो यहाँ पे आना मेरे लिए तो ऑब्वियसली लाजिम होता है. बहुत ज़बरदस्त लड़की है यार, उसकी जर्नी बहुत माइंड ब्लोइंग है. सब कुछ माइंड ब्लोइंग प्रोमो था, माइंड ब्लोइंग ट्रेलर. मुझे ठीक लगा तो मैंने नहीं किया कलर, मुझे लगा ठीक है, ठीक लग रहा है. बिग बॉस नहीं, एक भी एपिसोड नहीं देखा, सॉरी यार. खान साहब की, हमारे हिना खान साहब की फिल्म है. सो दिस यू नो एंड द ट्रेलर इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड. इट्स विक्रम भट्ट डायरेक्टिंग, सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एंड इट्स गोइंग टू एंगेज एवरीबॉडी. सो आई एम रियली होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई एम रियली वेरी टू गो इनसाइड एंड सी द फिल्म. We are very excited. Yeah, sirf hina hi nahi, Rohan is also, we've known Rohan for such a long time. Aur trailer dekhke main bahut surprise hui thi. Actually aapki expectation hoti hai ki ha acha trailer hoga, but I genuinely really really liked it and I'm really looking forward to watching the film. Changing the content. Are you saying that now there's more content-based cinema? Yeah. Content-based cinema, or you're talking about this change in the space to the digital medium, the OTT medium? No, Ravi, change in the space. Okay. Oh God, then this is the interview. Yes. So yeah, there is a great change in the content, and you can see it with so many great films coming out. And just aapne kaha ki they are rooted in real circumstances and reality, and it's getting engaging by the more and more engaging by the minute. I'm going to add to the hello. How are you doing? Well, right in the middle of the interview, they will have to edit it. You can finish it. So yeah, the advent of the OTT platform also. I hope it doesn't never gets hacked, but you know it's good. Some good content coming there also. So you are doing wonders in the Punjabi industry. When are we going to see you in Bollywood? You know, just like this. मैं आपको दो चार नंबर्स देती हूँ बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के, जस्ट गिव देम अ कॉल एंड लेट मी नो. आई डोंट नो यार, इट वाज नेवर अ प्लान मूव, इट्स नॉट प्लान, इट वाज नेवर प्लान टू बी इन टीवी, इट वाज नॉट प्लान टू बी इन पंजाबी फिल्म्स एंड इट्स नॉट प्लान कि अब आगे कहाँ जाना. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गुड वर्क. थैंक यू डियर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आप कितना बिग बॉस देख रहे हो, थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? आपको लगे वो पंजाबी कैटरीना कैफ देख लिया? शहनाज को, जो मेरी पहली प्रोडक्शन थी मेरी और रवि की, हमने शहनाज को उसमें कास्ट किया था. सो आई हैव नोन हर लाइक दैट. बिग बॉस जाने से पहले उसने मुझे मैसेज करा, कह रही है सरगुन मैं बिग बॉस जा रही हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा तू उधर के लिए बनी है, बहुत देर तक बाहर नहीं आने वाली है, सो यू डोंट नीड टू वरी. एंड आई ऑलवेज न्यू दैट शी विल गिव ग्रेट कॉन्टेंट, और वो वही कर रही है. वो बहुत लाइकेबल है, वो बहुत लवेबल है, वो एकदम साफ दिल है. उसके जो जुबान पे होता है, उसके जो दिल में होता है, वो जुबान पे होता है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सीइंग. वी आर हियर फॉर वन थिंग, रोहन शाह. क्या कहना चाहेंगे रोहन के बारे में? प्लस हिना भी है इसके अंदर.
I think Rohan has worked so many years to be where he is today and we are extremely proud of him और उसको आज हम support करने आए हैं and I'm very happy कि सब जितना भी उनके हमने promotional जितने भी trailers आए हैं pictures आई हैं he is looking amazing and we are so proud of him. I hope this movie does very well and even Hina ki I believe it's the first film and I hope this film does well for both of them. And we wish them all the very best and we are going to be rooting for them. And all the very best Vikram sir and Rohan and Hina. And we are looking forward. I think hum log last hain jo enter karne wale hain. So we can't don't wait want to see. Yeah, we can't wait to see. One thing I just want to ask, aapke fans kaafi aur kuch pooch rahe hain ki is baar ki Max Plus mein aap kyun nahi hain, to ye batana chahiye. Ji, main bilkul bahut jald wapas aane wali hoon. There were of course some issues with the dates this time. क्योंकि हम लोग कोरियोग्राफ करते हैं एंड वी आर इन्वॉल्व्ड ऑन अ डेली बेसिस विद द शो एंड आई डिडंट वांट टू बी अनफेयर इन टर्म्स ऑफ माय टाइम टू द शो एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर अ फैमिली ऑल द डांसर्स सो यस आई विल बी बैक वेरी सून एंड आई होप कि आप लोग डांस प्लस सीजन 5 बहुत इन्जॉय कर रहे हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत ज़्यादा पसंद आई है मुझे तो. हैक कर चुकी है बहुत पहले. अभी शी इज जस्ट नॉकिंग द डोर्स ऑफ बॉलीवुड बट शी इज गोइंग टू टेक द थ्रोन. मेरे लिए तो मैं ऑलरेडी उसको बॉलीवुड के थ्रोन पे देखता हूँ डे वन से और मुझे पता है कि वो कितनी हार्ड वर्किंग है, कितनी टैलेंटेड है, हमेशा से इंस्पायर करती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो हर टू बी ग्राउंडेड ऑल द टाइम विच शी डज बाई हर सेल्फ इंजीनियसली. सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. आप लोगों ने इसकी जर्नी शुरू से देखी है, यू नो बेटर एंड आई कैन जस्ट से के दिस इज जस्ट द स्टार्ट. आई थिंक दे नो मी मोर देन यू डू बिकॉज दे वर देयर विद माई जर्नी बिफोर यू. यू सब मैंने किया, मैं ही हूँ सब, सब मैंने किया है कोई. No, actually, I have always been saying this. ये नहीं possible होता without him. He is my backbone. He is my support. He is my go-to. और he is the one जो मेरा सबसे बड़ा critic है. तो ये मुझे honestly हर review देते हैं, हर चीज़ बताते हैं. So it's him. हाँ, critic वाले मामले पे आइए. Yeah. ठीक है. Thank you guys. Thank you. Bye. Actually, ये जो hacking है और technology को लेकर ये जो क्राइम्स होते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत अरसे से रहा है. जब से ये एडवर्ड स्नोडन का ये किस्सा हुआ और वो अमेरिका से भागे और फिर रशिया में जाके बसे और उनके इंटरव्यूज़ और जो उनको कहते थे उससे मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहा. उसके बाद अमेरिका में ये एक हियरिंग हुई कि ये जो ऐप्स है, ये जो फ़ोन्स हैं, वो कितना हमारी प्राइवेसी के ऊपर इनक्रिंज करते हैं. अगर आप नोटिस करें तो हाल ही में ये कुकीज़ का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है कि डी यूज़ कुकीज़, डू यू एक्सेप्ट. वो इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका में केस हुआ. और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ एक बड़ा भयानक सा इंसिडेंट हुआ जिसके पीछे एक ऐसा एक आदमी पड़ा रहा जिसने उसका फ़ोन और उसका लैपटॉप और उसका स्मार्ट टीवी भी उसने हैक कर दिया था. बड़ी परेशान सी थी वो. तो ये सारी बातें जो हैं उनको देख के मुझे लगा कि ये जो हैकिंग जो है वो एक ऐसा सच है हमारी दुनिया में, एक ऐसा हॉरर है जो मैं हॉरर फिल्म्स बनाता हूँ उससे कई ज़्यादा हॉरिफाइंग है और उस पर थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए. हिना खान अपने आप में बहुत ही कमाल अदाकारा है और उन्होंने ये जो अपना ट्रांजिशन किया है ना, एक बहू या और एक सिंपल सी इंडियन लड़की से ये फैशन मॉडल का जो ट्रांजिशन उन्होंने किया है, उस किस्म का रोल है ये, जहाँ पे समीरा खन्ना जो उसके किरदार का नाम है वो एक फैशन मॉडल है. तो हमने सोचा कि ये बड़ा अच्छा होगा अगर हिना खान हमें मिले और हिना खान हमारी फर्स्ट चॉइस थी और उन्होंने हाँ कर दी तो हम खुश थे. और क्या आगे
प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या इसमें भी लगाएं? फिलहाल तो बस हैक के ऊपर हम लोग सब अपना भरोसा लगाए हुए हैं, आशाएं लगाई हुई है और बस ये उम्मीद करते हैं कि हैक बॉक्स ऑफिस पे खरी उतरे। मुझे लगता है मेरी इस फिल्म से इतना तो लोगों तक ज़रूर पहुंच जाएगा कि क्या क्या मुमकिन है, जो हम सोच भी नहीं रहे वो मुमकिन है। और बस जैसे कहते हैं कि उस पर भी अगर हमारी आंखें खुल जाए तो बहुत बड़ी बात। एक 19 साल के बच्चे का रोल था जो कि जो सोसाइटी में घूमता रहता है, जो पार्किंग की जगह बचाता है, जो थैली उठाकर हिना की मदद करता है, लेकिन जो अंदर से इतना ख़तरनाक हैकर है कि किसी को पता भी नहीं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसा हो सकता है। तो हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो कि मतलब नो एक ऐसा लगे कि ये तो यार ये हमारे बिल्डिंग में रहता है, हमारे आसपास रहता है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन अंदर से वो खौफनाक है। तो रोहन का लुक, रोहन जिस किस्म का एक्टर है, वो सब परफेक्टली सूटेड था। आपने